जवाब शर्मा साहब नमाज पढ़ रहे थे, मजलिस के बाद नमाज भी बाजमात पढ़ी हुई पर घड़ी वगैरह घड़ी वगैरह मेरा ख्याल बरए खुशनुदी मोहम्मद व अहले बैत बुलंद दर्स लेकिन घड़ी होनी टाइम पीस माशाल्लाह ला हौला वला बिल्लाह अलियुल अज़ीम हसबनल्लाहु निअमल मकीन निअमल मौला व निअमन नसीर वऔज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي نور قلوبنا بولاية محمد وآل محمد الله صل على محمد الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين أبي القاسم محمد صلى الله وعلى الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين الذين ذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ولعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يوم ظلمهم إلى يوم الدين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم وقال الرسول يا ربي إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا صلوات پڑھے محمد اللہ اکبر يا رسول الله يا علي اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل ارباب عزاء قرآن کریم کی جس آئے مجیدہ کو سرنامہ کلام قرار دیا ہے اس عشر محرم الحرام میں ہمارا ان دس دن کا جو موضوع رہے گا شکوہِ رسول از قرآن اور ہمارا کردار قرآن اور وارثان قرآن کی نظر میں تو کوشش یہی ہوگی کہ سید الرسل جو بارگاہ الہی میں شکوہ کریں گے کہ وہ شکوہ آخر رسول اللہ کیوں کریں گے ہماری قرآن کی نگاہ میں کیا ذمہ داری ہے اور قرآن میں ہم کہاں کھڑے ہیں بسم اللہ کی با سے لے کر والناس کی سین تک اگر انسان پورے قرآن کا مطالعہ کرے تو اسے ہر آیت میں اپنا عمل دکھائی دے گا کہ میں قرآن کی کس آیہ مجیدہ پر کھڑا ہوں تو لہٰذا وہ کون سے عمل تھے وہ کون سی چیزیں تھیں جس کی وجہ سے سید الرسل کو یہ کہنا پڑا کہ میں اپنے پروردگار سے میدان قیامت میں شکوہ کروں گا کہ اے بارِ الٰہ
मेरी कौम ने, मेरी उम्मत ने, मुझ नबी की नबूवत का कलमा पढ़ने वालों ने कुरान को छोड़ दिया। ये कितना बड़ा शिकवा है। और सैयद और रसूल का ये शिकवा अल्लाह को इतना पसंद आया, यकीनन सैयद और रसूल सादिक नबी हैं जिसकी सदाकत की गवाही अल्लाह को क्या, कुफार जो दुश्मन हैं वो भी सैयद और रसूल की सदाकत की गवाही देते थे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। तो अल्लाह को अपने हबीब का ये शिकवा इस कदर पसंद आया कि मेरा हबीब जो उम्मत ने कुरान को छोड़ दिया है, जो कुरान की हिदायत लेने से मुंह मोड़ लिया है, परवरदिगार को अपने हबीब का ये शिकवा इतना पसंद आया कि अल्लाह ने उस शिकवे को कुरान में गवाही के तौर पर पेश कर दिया कि कल कोई मैदान कयामत में ये ना कह सके कि ऐ बारे इलाहा, अगर तेरे हबीब को हमारे किरदार पर कोई एतराज़ था, हमारे किरदार से तेरा रसूल राज़ी न था, अगर हमने कुरान को छोड़ा था तो फिर रसूलुल्लाह ने हमें समझाया क्यों नहीं। सैयद और रसूल तो अपने ज़माने में हर मकाम पर और हर खुतबे में और हर बयान में कुरान की आयात भी पढ़कर सुनाते हैं और उम्मत मुहम्मद को कुरान और हिदायत की तरफ बुलाते हैं, लेकिन रसूलुल्लाह दीन की तरफ बुलाते हैं, रसूलुल्लाह इस्लाम की तरफ बुला रहे हैं, रसूलुल्लाह कुरान की तरफ बुला रहे हैं, लेकिन उधर दुनिया वाले रसूल जब कलाम करते और उधर से लोग रसूल के कलाम का मजाक उड़ाते। कहीं ऐसा तो ना हो रहा हो कि आज सैयद और रसूल की तालीमात को भी बयान करने वाला कोई बयान करे और कोई सामने बैठकर या उस आलम दीन के या वारिस आले मोहम्मद के उलूम के बयान करने वाला का मजाक उड़ाए। मेरे दोस्त जरा फिक्र कर, कहीं ऐसा ना हो जो गलती उन मुशरिकीन और कुफार ने की जब रसूलुल्लाह कुरान की आयतें पढ़ पढ़ कर हिदायत के लिए इस्लाम की तरफ बुलाते लेकिन वो रसूल का मजाक उड़ाते। कहीं ऐसा ना हो आज हम भी वारिसान आले मोहम्मद के उलूम को बयान करने वालों का मजाक उड़ाएं और हम भी कुफार और मुशरिकीन की सब में खड़े हो जाएं। सलावत पढ़ते मोहम्मद वही दिया। तो लिहाजा ये शिकवा कुरानी सैयद और रसूल को जो शिकवा था अपनी उम्मत से, गोया रसूलुल्लाह कयामत तक के लिए ये शिकवा बयान कर दिया और अल्लाह ने उसको कुरान में गवाही के तौर पर पेश कर दिया ताकि अगर कोई हिदायत हासिल करना चाहता है, अगर कोई राय हक पर आना चाहता है, अगर कुरान तमस्सुक रखना चाहता है तो ताकि वो हिदायत पा ले, कल ये न कहे कि मुझे इस काम की तरफ मुतवज्जे ना किया गया था। सैयद और रसूल का ये शिकवा आप देख लीजिए एक सादा मिसाल के साथ। रसूलुल्लाह आखिर क्यों ये शिकवा करेंगे, आखिर क्यों जरूरत पेश आई सैयद और रसूल को। हमारे यहाँ उर्फ में अगर किसी घर में कोई बुज़ुर्ग हज बैतुल्लाह की ज़ियारत के लिए या ज़ियारात मुक़द्दसा या किसी और मकसद के लिए कुछ अरसे के लिए वतन से दूर चला जाए और पीछे से उस बुज़ुर्ग के बनाए हुए उसूलों और कवानीन की मुखालफत की जा रही हो तो क्या कहेंगे भाई आपस में। घर का एक फ़र्द जो समझदार है वो क्या कहेगा, ज़रा आने दो वालिद साहब को, ज़रा आने दे बड़े भाई को, मैं आपकी शिकायत करूँगा कि आपने किस तरह घर के निज़ाम में खलल और तबाही पैदा कर दी है। सैयद और रसूल भी चूँकि जिस निज़ाम के तहत परवरदिगार ने अपने हबीब को इस कायनात में भेजा है वो निज़ाम था निज़ाम हिदायत।
अल्लाह ने अपने हबीब को हादी बनाकर भेजा और साथ कुरान जैसी किताब अता करके भेजी, तो सैयदुर रसूल ने देखा जिन आयात इलाही को पढ़कर मैं दुनिया वालों को अल्लाह की तरफ बुला रहा हूँ, दुनिया वालों को मैं इस्लाम की तरफ बुला रहा हूँ, दुनिया वालों को मैं दीन हक की तरफ बुला रहा हूँ, ये लोग कुरान को नज़रअंदाज कर रहे हैं, ये जानते भी हैं ये कलाम इलाही है लेकिन उसे तस्लीम नहीं कर रहे, कुरान से मुंह मोड़े हुए हैं। ये जानते थे, ये ईमान रखते थे। अब सैयद और रसूल का ये शिकवा जो था दर हकीकत ये खास कौम के लिए था, आम भी है, अमूमन भी है, हुज्जत भी है जो कुफार थे, लेकिन सैयद और रसूल का ये खास जो कलमा गो थे, जो रसूलुल्लाह का कलमा पढ़ते थे, तो सैयद और रसूल उनके शिकवे की बात कर रहे हैं। यहूदियों ने तो कुरान पर ईमान रखा नहीं, रसूलुल्लाह उनका शिकवा करेंगे बारगाह इलाही में। ईसाइयों ने तो कुरान पर ईमान रखा नहीं कि रसूलुल्लाह उनका शिकवा करेंगे बारगाह इलाही में। मालूम हुआ जिन अफराद ने, जिन लोगों ने रसूल की रिसालत का इकरार करके कुरान पर ईमान रखा लेकिन कुरान के अहकाम को झुठलाया, कुरान के अहकामात को नज़रअंदाज किया, सैयद और रसूल उन लोगों का शिकवा करेंगे, ए बारे इलाहा इन्होंने कुरान पर ईमान तो रखा लेकिन ये ईमान बिल लिसान था, इनका ईमान अमल बिल अरकान न था। एक सलावात पढ़ दे मोहम्मद, ये कुरान कोई मामूली किताब नहीं है, ये इस कदर अजीम किताब है कि जिसके बारे में सैयद और रसूल लिसान वही से फरमाते हैं, इज़ा अहब्बा अहदुकुम अन युहद्दिस रब्बा, अगर तुम में से कोई चाहता है अपने रब से कलाम करे, फल यक्रअुल कुरान, उसको चाहिए वो तिलावत कुरान करे। अल्लाह, तो लिहाजा सैयद रसूल क्या फरमाते, जो चाहता है अपने रब से हम कलाम हो उसको चाहिए वो कुरान की तिलावत करे। ऐ मेरे दोस्त, ये कुरान हमारी हिदायत के लिए नाजिल हुआ है। आमतौर पर हम क्या करते हैं, भाई फलां पर जादू हो गया है, कुरान की फलां सूरतों की तिलावत करें, दुल्हन को रुख्सत करना है कुरान के साए में रुख्सत करें, सदका रखना है कुरान में रख दें। मेरे दोस्त, बेशक कुरान के साए में अपनी बेटी को रुख्सत कर, बेशक तू कुरान की बरकात को हासिल कर, लेकिन कुरान के नाजिल होने का असली मकसद व हदफ को न भूल। कुरान का असली हदफ क्या है, कुरान के नाजिल होने का मकसद क्या है, हुदल लिन्नास, अल्लाह ने लोगों की हिदायत के लिए यह कुरान नाजिल किया है। बाद लोग यहां पर जो पहली दूसरी सूरत में जरा थोड़ा सा परेशान हो जाते हैं, अलिफ लाम मीम जालिब कल किताब हो ला रही वफी है हुदल लिल मुत्तकीन, ये वो किताब है जो मुत्तकियों की हिदायत करती है। तो यहाँ पर एक सवाल उठता है कि जब कुरान हिदायत करता है मुत्तकियों का, कुरान किताब हिदायत करती है मुत्तकियों की, तो इसका मतलब है जो गैर मुत्तकी हैं उनके लिए बायस हिदायत नहीं है। जबकि अल्लाह कुरान में और मकाम पे क्या फरमाता है, हुदल लिन्नास
ये लोगों की हिदायत के लिए नाजिल हुई है। मेरे दोस्त, कुरान को समझ, और कुरान को समझना है तो वारिसान कुरान की जुबानी समझ। वारिसान कुरान समझाएंगे कुरान का हकीकी माना क्या है। तो हुदल लिन्नास वो भी आयत है, और हुदल लिल मुत्तकीन वो भी आयत है। जो हुदल लिन्नास है ये माना आम है, सब लोगों की हिदायत के लिए ये किताब नाजिल हुई है, लेकिन इस किताब से हिदायत का जो हक है इस्तेफादा करने का, वो हासिल करेंगे जो साहिब तकवा होंगे। हुदल्लिल मुत्तकीन ये किताब मुत्तकियों की हिदायत करने के लिए है, यानी मुत्तकी लोग इससे ऐसे इस्तेफादा करेंगे जैसे इस्तेफादा करने का हक है, वरना ये हर शख्स की हिदायत के लिए आया है। अगर कोई इससे हिदायत चाहे, अगर हिदायत न चाहे तो वो अपना नुकसान कर रहा है, कुरान का नुकसान नहीं कर रहा। अगर हम किसी बीमारी में मुबतला हो जाएं और हम डॉक्टर के पास ना जाएं तो क्या होगा, आहिस्ता आहिस्ता हमारा मर्ज बढ़ता जाएगा। जब हमारा मर्ज बढ़ता जाएगा, हम इलाज न कराएं अपना, तो नतीजतन क्या होगा, हलाकत की तरफ, मौत के करीब से करीब तर होते जाएंगे। और अगर कोई ये कहे कि आप अपने आप को हलाकत में डाल रहे हैं, वो सही कह रहा है, इसलिए कि हम इलाज न करके अपने आप को हलाकत में डाल रहे हैं। तो जब हम बदनी तौर पर जिस्म के अमराज में मुबतला हों, अगर किसी डॉक्टर से अपने अमराज का इलाज नहीं कराएंगे, हमारे अमराज बढ़ते जाएंगे और हलाकत और मौत की तरफ हमारा सफ़र शुरू हो जाएगा। मेरे दोस्त, इसी तरह से अगर हम गुनाहों की वादियों में रहे, हम गुमराहियों में रहे, हम बेदीनी की तरफ चलते रहे, और हमने अगर कुरान का रास्ता छोड़ दिया, कुरान से अपनी बीमारियों का इलाज न किया, अगर हमने कुरान के मुताबिक अपनी ज़िंदगी को न गुजारा, तो फिर देख कहीं ऐसा ना हो कि हमारा किरदार मुनाफिकीन वाला बन जाए, या फिर हमारा किरदार हो सकता है काफिरीन वाला बन जाए, या हमारा किरदार हो सकता है मुशरिकीन वाला बन जाए। और कुरान ने हर मकतब हर एक के किरदार को वाज़े तौर पर बयान किया है। ऐसा ना हो हम अपने बदन के अमराज और बीमारियों के हवाले से तो फिक्रमंद रहें, लेकिन अपने दीन और ईमान की सलामती के बारे में कुरान से मालूम न करें कि हमारी इन बीमारियों का इलाज कुरान ने क्या बयान किया है। एक सलावत पढ़ दे मोहम्मद व अहले बैत, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। तो लिहाजा कुरान से तमस्सुक जरूरी है। कुरान मामूली किताब नहीं है, ये वो अजीम किताब है। आया एक शख्स सैयद और रसूल की खिदमत में, या नबी अल्लाह अल्लमनी मिम्मा अल्लमक, ऐ सैयद और रसूल मुझे किताब इलाही में से वो तालीम फरमाए जो आपको अल्लाह ने तालीम फरमाया है। सैयद और रसूल ने उस एराबी को अपने चंद असहाब के हवाले किया कि ऐ मेरे साहबियों, इसे कुरान की चंद सूरतें और कुरान की आयात की तिलावत और चंद आयात इलाही समझाओ और उसकी तालीम दो। रिवायत कहती है जब असहाब रसूल उस एराबी को जब कुरान की फकत एक सूरत की तालीम देना शुरू किया, सूरह जलजला, और जब उसकी आखिरी आयत मजीदा पर पहुंचे, वमन यअमल मिसकाल ज़र्रतिन शर्रिन यरा, जब इस आयत मजीदा पर पहुंचे तो जब उस एराबी ने पूछा
कि क्या ये कुरान की आयत है कि यानी हर बुरे अमल को इंसान देखेगा मैदान कयामत में। कहा ये कुरान की ही आयत है कि हर इंसान ने अपने छोटे से छोटे इंसान ने बड़े से बड़े अमल को देखना है मैदान कयामत में। ये ना समझे कि हम जितने अमल कर रहे हैं, हम जितनी हरकत कर रहे हैं उससे परवरदिगार मुत्तले नहीं है, बल्कि सादिक आले मोहम्मद इमाम जाफर सादिक अलैहि सलातो व सलाम अल्लाहु वसल्लम इमाम फरमाते हैं जो खवातीन अपने चूल्हों पर बैठकर जो आग में फूंक मारती है, मलाइका उस हरकत तक को भी नोट करते हैं कि कल मैदान कयामत में पूछा जाएगा, बता ये तेरा फला अमल अल्लाह की रिजा के लिए था या गैरुल्लाह के लिए था। मेरे दोस्त, अपनी जिंदगी का हदफ और मकसद समझ। ऐसे अल्लाह ने हमें खल्क नहीं किया है। हर अमल की परवरदिगार की बारगाह में हमसे पुरसिश होगी, सवाल होगा बता। जब उस एराबी ने ये जान लिया, ये आयत मजीदा है, फरमाता है तकफीनी हाज़िहिल आया, तो बस मेरी हिदायत के लिए फकत यही एक आयत मजीदा काफी है। अल्लाहुम्मा सल्ल अला मुहम्मद। रिवायत कहती है जब ये एराबी चला गया, सैयद रसूल ने पूछा वो एराबी इतनी जल्दी तुम्हारे यहां से तालीम कुरान लेकर रुखसत हो गया? तो असहाब ने पूरा वाक्या सुनाया, कहा या रसूल अल्लाह, वो इस एक आयत मजीदा को याद करने के बाद फरमाता है बस मेरी जिंदगी की इस्लाह और हिदायत के लिए यही आयत काफी है। तो सैयद रसूल ने लिसान वही से फरमाते हैं रजा फकीहन, ए मेरे असहाब सुनो, वो मामूली शख्स नहीं बल्कि फकीह बनकर लौटा है। या रसूल अल्लाह, अल्लाहुम्मा सल्ल अला मुहम्मद व आल मुहम्मद। अपनी जिंदगी में कुरान को दाखिल करें, वारिसान कुरान की तालीमात को दाखिल करें, तब हम सही रास्ते पर चल सकते हैं। लेकिन अगर हम कुरान से दूर हो गए, हम वारिसान कुरान से दूर हो गए, तो फिर दीन का समझना हमारे लिए दुश्वार हो जाएगा। जो आले मोहम्मद ने जिस दीन की बका के लिए कुर्बानियां दी हैं, वो हमें दीन एक जदीद दीन नजर आएगा। इसलिए कि हम कुरान से दूर हैं, इसलिए कि हम अहले बैत से दूर हैं। तो जब हम अहले बैत और कुरान से दूर रहेंगे तो हमारे लिए दीन एक नई चीज लगेगी। एक काफिला जा रहा था ज़ियारात पर, इराक ज़ियारात पर, दुबई एयरपोर्ट पर जब ज़ायरीन रुके और वहां पर नमाज का वक्त हुआ, जिनमें से चंद अहले ईमान ने नमाज मगरबैन को अदा किया, बाकी अक्सर मोमिनीन जो थे वो या मोबाइल में मसरूफ हैं या गुफ्तगू कर रहे हैं। अब एक मर्द मोमिन अमर बिल मारूफ और नहीं अनिल मुनकर का फरीजा अदा करते हुए आगे बढ़ा, कहा कि ज़ियारत इमाम हुसैन मुस्तहब है और नमाज की अदायगी वाजिब है, आप जहरा के लाल की खिदमत में जा रहे, किस मुंह से जाएंगे कि मौला हम वाजिब को छोड़कर आपको सलाम करने आए हैं, क्या इमाम आपके उस सलाम पर राजी रहेंगे? अब समझ जाते तो अपनी किस्मत थी, समझने की बजाय जवाब देने लगे। एक मोमिना ने जवाब दिया, जनाब क्या कहते हैं आप, हुसैन की मां फातिमा ज़हरा ने अपने लाल पर रोने वालों को तो जन्नत की जमानत दे दी है।
तो लिहाजा अगर नमाजें कजा हो जाएं तो हुसैन की माँ जहरा ने जब जन्नत की जमानत दे दी है तो हमें भला घबराने की क्या जरूरत है। फातिमे जहरा ने अपने लाल के गिरिया करने वालों को बेशक जन्नत की जमानत दी है। क्या फातिमे जहरा ने यह फरमाया है तुम नमाजों को कजा करते जाओ? क्या फातिमे जहरा ने यह फरमाया है कि तुम बेहिजाब जाओ? क्या फातिमे जहरा ने यह फरमाया है तुम कुरान से हिदायत को छोड़ दो? क्या फातिमे जहरा ने यह फरमाया है कि तुम दीन का मजाक उड़ाते जाओ, बस फकत मेरे लाल के मसाए पर गिरिया करो और मैं जानूं और जन्नत जाने? ना मेरे दोस्त, यकीनन फातिमे जहरा ने अपने लाल के अजादारों की जन्नत की जमानत दी है, लेकिन वो जो बाकिरदार होंगे, जो मार्फत अहले बैत रखने वाले होंगे। अगर ये बात है, यकीनन इमाम हुसैन पर गिरिया करना बायस अजर व सवाब है, ये ऐसी इबादत है कोई मुनकर नहीं है। हमारी जाने कुर्बान हो उन अजादारान सैयद शुहदा पर जो खलूस नीयत से फर्श अजा पर जहरा के लाल के आकर मसाई पर गिरिया करते हैं। कब किसने रोका है? बाईस अजर सवाब है। बेशक सादे के आले मोहम्मद इमाम जाफर सादिक अलैहि सलातो वस्सलाम इमाम की हदीस है, मम बका औ अबका औ तबाका वजब लहुल जन्ना, जो हुसैन इब्न अली के मसाइब पर रोए या रुलाए या रोने वाली शक्ल बनाए उसके ऊपर जन्नत वाजिब है। लेकिन बाद रिवायात से इस्तेफादा होता है कि आरिफन बेहक के हुसैन इब्न अली के हक की मार्फत रखता हो। अगर हम फकत ये कह दें कि हुसैन इब्न अली के गम में आंसू बहाना बाई से निजात है, तो करबला में खौली जो था अली की बेटी की चादर भी लूट रहा है और रो भी रहा है। तो मेरे दोस्त, हर रोना बाई से बख्शिश नहीं है। मार्फत अहले बैत हो, नूरे विलायत अहले बैत अगर दिल में है, मार्फत अहले बैत है, तो बेशक हुसैन पर गिरिया करना बाईस अजर व सवाब है। अब जब यह रिवायत छठे इमाम की है तो छठे इमाम की एक और रिवायत भी मौजूद है, जो आखिरी वक्त इमाम ने वसीयत की थी, ला तनालो शिफाअतना मन इस्तखफ्फत सलाह, ए दुनिया वालों सुन लो, उसको हम अहले बैत की शिफात ना हासिल होगी जो नमाज को खफीफ समझे। नमाज को खफीफ किसे कहते हैं? नमाज को खफीफ ये मतलब नहीं है जो नमाज न पढ़े। नमाज को खफीफ समझना ये है नमाज को अव्वल वक्त पर ना पढ़े, दुनियावी कामों में मशगूल रहे, नमाज को अहमियत न दे, ये है नमाज को खफीफ समझना। और जो नमाजें छोड़कर और कहे कि मेरी नमाजें कजा होती ही रहे, बस हुसैन की माँ ने तो जन्नत की जमानत दी है, कि छठे इमाम ने नहीं फरमाया? मेरे दोस्त, इन गलत फहमियों में न रहें। ये पिछले दिनों की बात है, एक साहब को जब नसीहत करने की जाने लगी नमाज के मुतालिक, का नमाज की क्या जरूरत है, अस्तग़फिरुल्लाह, नमाज तो आका हुसैन पढ़ गए हैं। आका हुसैन ने नमाजें अगर पढ़ ली हैं हमारी तरफ से, तो फिर आका हुसैन के जो पैगामात करबला हैं, अगर हुसैन की नमाज काफ़ी थी तो फिर हुसैन की जुर्रियत इमाम ज़ैनुल आबिदीन को इतनी इबादतों की क्यों ज़रूरत थी? इमाम मोहम्मद बाकिर को इतनी इबादतों की क्यों ज़रूरत थी?
इमाम जाफर सादिक को इतनी इबादतों की क्यों जरूरत थी? अगर नमाज अहम ना थी तो फिर अहले बैत बयान न करते। न मेरे दोस्त, नमाज न पढ़ने के बहाने में दीन का मजाक न उड़ा। बेशक जहरा के लाल के मसाइब पर गिरिया करना बाइस से अजर और सवाब है, लेकिन आरिफन बेहक के जो उनके हक की मार्फत रखता हो। अब हक के मार्फत से क्या मुराद है? यही सवाल पूछा गया इमाम मूसा काजिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से। पूछा गया यबना रसूलिल्लाह जअल तो फिदाक ए ज़हरा के लाल, ए फरजंद रसूल मेरी जान कुर्बान, मल मारिफा, जुबान ने इस्मत से फरमाइए मौला मारफत किसे कहते हैं? हम समझते हैं कि बस जो उनका नाम लेवा ज्यादा बन जाए वही साहिब मारफत है। आ इमाम मासूम की जुबानी सुन, मारफत इमाम किस बात का नाम है? मारफत दीन किस बात का नाम है? इमाम फरमाते अल मारिफा व तफक्को, दीन की समझ बूझ, अहकाम शरीयत का अगर तुझे इल्म हो उसके मुताबिक तू अपने वाजबात को अदा करे, इसी का नाम है मारिफत। ये एक चीज। दूसरा इमाम फरमाते हैं अल हदीस वतलबुल हदीस। इमाम फरमाते हैं जो आने वाला साहिल था, फरमाते हैं इल्म हदीस को हासिल कर। वो इल्म हदीस जो हम अहले बैत का खजाना है कि जिन रिवायात की रोशनी में तू अपने ईमान की सलामती रख सके, तू अपने अखलाक को संवार सके। गोया इमाम मासूम ने दो चीज़ें बयान करके तीन चीज़ों की तरफ इशारा कर दिया। हमारी अहादीस के ज़रिए से तू अपने अकायद को भी सही कर, अपने अखलाक को भी आला कर, और अपने वाजबात को फिक्र इमाम जाफर सादिक की तरह अपनाता जा। तेरे पास मार्फत इमाम भी है और मार्फत दीन भी है। अल्लाह अकबर। लिहाजा मार्फत इमाम मार्फत दीन मेरी और आपकी मर्जी से नहीं मेरे दोस्त, इमाम की मर्जी के मुताबिक जान। मार्फत किस चीज का नाम है? यकीनन ये कुरान से दूरी का नतीजा है, यकीनन ये तालीमात अहले बैत की से दूरी का नतीजा है कि इस गलत फहमी में शिकार हो गए कि हमारे लिए जन्नत की जमानत दे दी है। मेरे दोस्त, फुकहा से जब सवाल किया गया बेशक यही जवाब मिला, हाँ हुसैन इब्न अली के मसाइब पर रोना बाइस से अजर और सवाब भी है और जन्नत का वजूब भी है, लेकिन किसके लिए? जो वाजिबात को बजा लाता रहे, मुहर्रमात को तर्क करता रहे और फर्श अज़ाए हुसैन इब्ने अली पर आए, हुसैन के गम में आंसू बहाकर बारगाह इलाही में इल्तिजा करे, ए बारे इलाहा तुझे जहरा के लाल के हक का वास्ता, मेरे गुनाह बख्श दे। ए मौला हुसैन, मैं तो आपसे वादा करता हूँ आप मेरी सिफारिश कीजिए, जिस तरह हजरत हुर्राब की बारगाह में आए तो तौबा करके पलटे, मौला आपकी मजलिस में आया हूं मेरी सिफारिश कीजिए, मैं तौबा करके जाना चाहता हूं। जब ऐसा आजादार हो इस मार्फत के साथ गिरिया करे, यकीनन ये आंसू निकलने वाले बायस अजर और सवाब भी हैं और ऐसे आजादार पर जन्नत भी वाजिब है। सलावात पढ़ दे मोहम्मद वाहिद में। आले मोहम्मद का इस दीन की बकाओ के लिए, इस कुरान की तालीमात के लिए बहुत कुछ कुर्बान हुआ है। अल्लाह अकबर। इस दीन की तालीम के लिए, इस कुरान की तालीम के लिए
जब हुसैन से नाजायज इरादा किया गया, ऐ ज़हरा की लाल बैत का सवाल है, अगर हुसैन से कोई और सवाल किया जाता तो यकीनन ये करीम घराना है। लेकिन हुसैन ने बैत के सवाल पर फिर भी खाली नहीं लौटाया, सर दे दिया लेकिन बैत न की। अजरकुम अल्लाह ज़ादारो, रिवायत कहती है हुसैन इब्न अली बस ये उम्मत का दर्द लेकर आए हैं नाना की कब्र पे, रात की तारीखी है, कब्र रसूल पर सर रख दिया हुसैन मज़लूम ने, सर रख के रो भी रहे हैं और अपने नाना को आवाज़ भी दे रहे हैं। यह एक मर्तबा हुसैन मज़लूम आलम ख्वाब में क्या गए। यह एक मर्तबा रिवायत कहती है सैयदुर रुसुल को देखा जो मलाइका के झुरमट में है, हुसैन ने नाने के बाहों में बाहें डाल दी, नाना और नवासा गले मिलकर रो रहे हैं। ये एक मर्तबा हुसैन शिकवा कर रहे हैं, या एक रिवायत कहती है आका हुसैन कहते नाना नाना मुझे अब कब्र में रहने दीजिए, लेकिन सैयदुर रसूल ने क्या जवाब दिया। रिवायत कहती है सैयदुर रसूल फरमाते हैं हबीबी या हुसैन, ऐ मेरे हुसैन, है मेरे हबीब, ऐ मेरे महबूब, तेरी माँ जहरा, तेरा बाबा अली, तेरा भैया हसन मुज्तबा सब मेरे पास आ चुके हैं, हम मुश्ताकून इलैक, ऐ मेरे लाल हुसैन, ये सब तेरी ज़ियारत के मुश्ताक हैं। ये एक मर्तबा हुसैन मज़लूम ने कहा ऐ नाना मुझे अपनी कब्र में ठहरा दीजिए, बस ये कहना था। यह सैयद रसूल ने फरमाया ऐ हुसैन अभी तुझे अपने जामे शहादत नोश फरमाना है, अभी तुझे अपना वादे वफा करना है। आए हुसैन के लिए बड़ा दुश्वार था। रिवायत कहती है हाय हुसैन की आंखें रोने की वजह से सुर्ख हो गई, आंखों से आंसू जारी है, रीश मुबारक तर है। हुसैन ने नाने की कब्र को विदा किया, माँ जहरा की कब्र पर आए। बाद अरबाब मकातिल ने नकल किया है जब हुसैन माँ की कब्र पे आए फगोशिया अली, हाय हुसैन माँ की कब्र पर बेहोश होकर गिर गए। अल्लाह जाने हुसैन को कैसे होश आया, हाय हुसैन कैसे महजारा की कब्र को विदा करे। अजरकुम अल्लाह ज़ादारो, सुनोगे रिवायत कहती है जब हुसैन मज़लूम अपने घर में तशरीफ लाए, एक मर्तबा बीबियों को जमा किया, कहा ए अली की बेटियों बस हमें मदीने को छोड़ना है। रिवायत कहती है जब हुसैन की जुबान से ये जुमला निकला, जनाब ज़ैनब आलिया के कानों में ये पढ़ना था अली की बेटी न संभली फखोजियत अलैहा, अली की बेटी भी होश होकर गिरी। हाय बीबी उम्मे बनी ने संभाला, बीबी उम्मे कलसूम ने संभाला, एक बच्ची दौड़कर पानी लाई, अली की बेटी पर पानी का छिड़काव किया। बीबी होश में आई, मैं अर्ज करूंगा ए बीबियो आज तो अली की बेटी को होश में ला रहे हो, अभी तो अली की बेटी ने फकत मदीना छोड़ने की बात की है। अरे जब ज़ैनब ने हाय भैया को ज़िबा होते देखना है, अल्लाह जाने अली की बेटी की क्या हालत होगी। अजरकुम अल्लाह आज़ादारो, रिवायत कहती है बस अली अकबर भी आगे बढ़े, अब्बास भी
भी आगे आए, कासिम भी आगे आए, है जवाना ने बनी हाशिम ने पर्दा बनाया, अली की बेटियों ने महमलों में कदम रखे। लेकिन रिवायत कहती है, अरबाब मकातिल नकल करते हैं, जब 11 मुहर्रम का दिन आया, जब तमाम बीबियों को अली की बेटी बेपलान ऊँटों पे सवार करा रही थी, आखिर में तनहा रह गई अली की बेटी या एक बीमार करबला। अरबाब मकातिल नकल करते हैं, जब अली की बेटी नजरत जमीनन व शिमाला, है अली की बेटी कभी दाएं देखती है तो कभी बाएं, शायद यही सोच रही थी, ऐ जवानों कहाँ सो गए। अरे जब मदीना से चली थी तो बड़ी शान से सवार कराया, अरे अब्बास तो बगैर बाजुओं के सो रहे हैं, ऐ कहीं ऐ अली अकबर का लाशा। रिवायत कहती है, अली की बेटी की ये बेचैनी जब देखी मेरे बीमार इमाम ने, जमीन करबला की रेत पर मेरा बीमार इमाम मौजूद है, ये अली की बेटी का ये मंजर ना बर्दाश्त हुआ, मेरे चौथे इमाम ने क्या किया, करबला की रेत पर घसीटना शुरू किया। उस नाका के करीब आए जिस नाका पर अली की बेटी ने सवार हो रहे, अजरुकुम अल्लाह ज़ादारो, हाय चौथे इमाम ने अपनी कमर का सहारा दिया, फूफी अम्मा मेरे कांधे का सहारा लेकर सवार हो जाए। अज़ादारो सुनोगे, रिवायत कहती है अली की बेटी ने कदम को उठाया या रखा मेरे बीमार इमाम के कांधे पर, मेरा बीमार इमाम न संभला, जमीन करबला की तरफ झुक गए। जब दूसरी मर्तबा ऐसा हुआ, आइए मंजर शिमर मलून देख रहा था, हाथ में गुर्ज लेकर आगे बढ़ा, हाय सैयद साजिदीन पर नेजे मारने लगा। अला लअनतुल्लाह अलल कौम ज़ालिमीन وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ کچھ مومنین کے سوالات ہیں، تو جن مومنین کے سوالات ہوں وہ اپنے سوالات دے سکتے ہیں، انشاءاللہ سوالات کے جوابات بھی دیے جائیں گے۔ پہلا سوال یہ کیا گیا ہے، بعض خواتین کی عادت ہے کہ جائے نماز پر وقت نماز سجدے گاہ کی مٹی کھاتے ہیں، تو کیا یہ عمل فقہ امام جعفر صادق علیہ السلام میں جائز ہے؟ خاک سجدے گاہ یعنی مصلے پر جو سجدے گاہ ہوتی ہے، وہ سجدے گاہ اگر کوئی اس کو یہ سمجھ کے کھا رہا ہے کہ یہ خاک شفا ہے، تو اس کے اوپر خاک شفا کا حکم لاگو نہیں ہوتا، چونکہ جو خاک شفا ہے وہ فقط قبر امام حسین علیہ السلام کی مٹی ہے، اور خاک شفا کے بارے میں فقہا کا یہ فتویٰ ہے، جو شخص مریض ہو، حالت مرض میں ہو، وہ چنے کی مقدار کے مطابق پانی میں اس خاک کو حل کر کے استعمال کر سکتا ہے۔ یعنی فقہا فرماتے ہیں احتیاط اس میں ہے کہ وہ خاک بھی اس طرح سے تناول نہ فرمائے کہ اس کے اوپر مٹی کھانا صدق کرے، یعنی پانی میں حل کر کے۔ وہ کون؟ جو مریض ہو، جو علاج سے مایوس ہو گیا ہو، اس کے لیے۔ لیکن جو عام طور پر یہ خاک ہے، یہ کربلا سے ایک مقدس زمین سے ایک پاک خاک لاتے ہیں، تو لہٰذا اس کا احترام ہے،
लेकिन खाके शिफा के आकाम उसके ऊपर लागू नहीं होंगे। तो मट्टी का खाना हराम है। हत्ता के खाके शिफा के बारे में इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाहुम्म सल्ली अला इमाम फरमाते हैं, अगर कोई शख्स बग़ैर हाजत के, यानी मरीज़ नहीं है, किसी मर्ज़ की शिफा याबी के लिए नहीं है, वैसे इमाम फरमाते हैं अगर कोई शख्स बग़ैर हाजत के अगर वो खाके कब्र हुसैन को खाए, वो ऐसे है जैसे उसने हम अहले बैत का गोश्त खाया। तो यानी फिके इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम को समझें, यकीनन अकीदत और मोहब्बत अपने मकाम पर है, लेकिन अकीदत और मोहब्बत की वजह से हम दीन को फरामोश न कर दें, फिक्र को न छोड़ दें। दूसरा सवाल ये किया गया है कि आजकल के दौर में मसलन एक घर में दो तीन फैमिलीज़ रहती हैं, तो ख़ातून के लिए शरी हिजाब कितना वाजिब है? ख़ातून के लिए शरी हिजाब जो है उसकी दो जिम्मेदारियां हैं। पहली उसकी शरी जिम्मेदारी ये है ख़ातून की कि जिस घर में रह रही है, देवर हैं या दूसरे मसलन रिश्तेदार हैं, ख़ातून की शरी जिम्मेदारी ये है कि वो सर से लेकर पांव तक सिर्फ दो चीज़ों को जाहिर कर सकती है, चेहरा और हाथ। आयतुल्ला सिस्तानी के नज़दीक जो है और मौजूदा फुकहा के नज़दीक ये जायज़ है, ख़ातून अपना चेहरा और हाथों को जाहिर कर सकती है, अगरचे एहतियात मुस्तहब है। आयतुल्ला मरहूम खोई रहमतुल्लाह अलैह के नज़दीक एहतियात वाजिब था चेहरे को छुपाया जाए, लेकिन उनके ज़माने में ख़वातीन फिर रजू करती थी दूसरे फुकहा की तरफ। तो बहरहाल आगा सिस्तानी के नज़दीक इजाज़त है, यानी ख़ातून अपने देवर या दूसरे जो महरम नामहरम रिश्तेदार हैं उनके सामने अपना चेहरा और हाथ जाहिर कर सकती है, इस शर्त के साथ कि चेहरे पर कोई जीनत ना हो, हाथों पर मेहंदी या दूसरी जीनत की चीज़ें ना हों, इसी तरह से लिबास भी भड़कीले कलर इस्तेमाल न हुए हों, वरना उस लिबास का छुपाना भी वाजिब हो जाता है। और ख़ातून के लिए सर के बाल छुपाना और पाँव का छुपाना बराबर है। हमारी ख़वातीन में आम तौर पर ये नहीं है इल्म शायद कि पाँव का पर्दा वाजिब है। तमाम फुकहा इमामिया के नज़दीक ख़ातून के लिए पाँव का पर्दा वाजिब है। अच्छा, ये एक ज़िम्मेदारी होगी ख़ातून की ऐसे घरानों में जहाँ पर फैमिलीज इकट्ठी रहती हैं। दूसरी शरी ज़िम्मेदारी क्या है? अगर उस घर में नामहरम मर्द रहते हैं, वहाँ पर ख़ातून के लिए जायज़ नहीं है, मसलन गर्मियों के अय्याम हैं या उसके अलावा देवर ने या दीगर नामहरम अफराद जिनसे वो अपना वाजिब पर्दा तो कर रही है, लेकिन उन मर्दों ने अपने बदन पर कमीज़ नहीं पहनी हुई, अब ख़ातून की दूसरी शरी ज़िम्मेदारी है उस नामहरम मर्द के जिस्म पर निगाह न करें। अगर देखेगी वो ख़ातून तो शरण हराम है। इसलिए तमाम फुकहा का फतवा है कि हद्दा के मौजूदा दौर में अब जो वीडियोज़ हैं मसलन जैसे मुहर्रमुल हराम है, नूहों की वीडियोज़ होती हैं जिसमें मसलन बात मातमी पार्टियाँ वो कमीज़ें उतार के मातम कर रही होती हैं, तो इसलिए फुकहा फरमाते हैं ख़वातीन को उन मर्दों के जिस्म की तरफ नहीं देखना चाहिए, मर्दों के जिस्मों की तरफ देखना ये जायज़ नहीं है, चाहे वो वीडियो की शक्ल में हो, चाहे वो तस्वीर की शक्ल में हो, चाहे वो डायरेक्ट देख रही हो, यानी किसी सूरत में, या मसलन घर में देख रही हो, तो ये किसी तरह से जायज़ नहीं है। बाद लोग यहाँ पर एक गलत फहमी का शिकार होते हैं, कहते हैं कि देखें ये फुकहा कहते हैं कि ख़वातीन का ये आज़ादारी के ख़िलाफ़। नहीं मेरे दोस्त, ऐसा कोई फतवा नहीं है, वो इस्लाह करना चाहते हैं, आज़ादारी का कोई मुखालिफ नहीं है, वो चाहते हैं कि ख़वातीन को उनकी तरफ देखना नहीं चाहिए, तो लिहाजा अब चाहे वो मर्द मसलन मिसाल के तौर पे कमीज उतार के चाहे वो कुरान भी पढ़ रहा हो तब भी जायज़ नहीं है। तो लिहाजा घर में ये मर्दों की भी एक शरी ज़िम्मेदारी, इसलिए बात फुकहा ने कहा है
कि मकरूह है ऐसी जगह पर अपनी कमीज़ उतारना जहाँ पर ख़वातीन हों, ताकि उनको भी गुनाहों में मुबतला होने का मौका ना मिले। तो मोमिन की एक शरी ज़िम्मेदारी है कि अपने आप को इस तरह से रखे कि उसके वजूद से दूसरे अफराद गुनाहगार ना हों। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जिल फरज इलाही बिअज़मत मुहम्मद व अहले बैत बारे इला जो फ़र्श अज़ा इमाम हुसैन मेरा अल्लाह जिस नेक मकसद की खातिर मेरा अल्लाह ये कायम किया बारे इला मुहम्मद व अहले बैत की अज़मत के सदक़े ये फ़र्श अज़ा की ये काविश अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमा। बारे इला आले मुहम्मद की अज़मत के सदक़े में बानियान मजलिस की इस काविश को अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमा। इसका सवाब इनके मरहूमीन की रूह को इसाल फरमा। मेरा अल्लाह ये फ़र्श अज़ा बानियान मजलिस के लिए ज़खीरा या आखरत करार दे। बारे इला आले मुहम्मद की अज़मत के सदक़े में इस फ़र्श अज़ा के सदक़े में हमारी कौम व मिल्लत की हिदायत फरमा। बारे इला हमारी इस्लाह फरमा। बारे इला मुहम्मद व अहले बैत की अज़मत का वास्ता शियान अली के माल जान इज़्ज़त व नामूस की खुद हिफाजत फरमा। उलमाए आलम मराज उज़ाम का साया हमारे सरों पर कायम फरमा। बारे इला दुश्मनान इस्लाम दुश्मनान कुरान दुश्मनान दीन को निस्तो नाबूद फरमा। हमारे मुल्क वतन अज़ीज़ पाकिस्तान की हिफाज़त फरमा। बारे इला आले मुहम्मद की अज़मत का वास्ता हम सब के बारे स्वाका साहिबुल असर व ज़मां के ज़हूर में ताजील फरमा। रब्बना तक़ब्बल दुआ इन्नका अंतस्समीउल अलीम व बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद।